इंडेक्स कॉपी हुआ। यस मैम।
जरा स्टॉप राइटिंग, पहले समझ लीजिए. केमिकल बॉन्ड इट इज डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर देन टू एटम आयन स्पीशीज होल्ड टूगेदर एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल. यानी कि डेफिनेशन में कंपल्सरी अट्रैक्शन होना चाहिए, होल्डिंग होनी चाहिए और फाइनली स्टेबिलिटी होनी चाहिए. अब बेसिक रीजन क्या है बॉन्डिंग के? तो रीजन है स्टेबिलिटी. अभी स्टेबिलिटी कैसे अचीव होगी? तो दो प्रोसेस हैं. एक है बाय डिक्रीजिंग एनर्जी. आप अपनी एनर्जी को कम कर दीजिए क्योंकि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. तो एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी अपने आप आ जाएगी. एंड दूसरा प्रोसेस इज वेल नोन फॉर यू गाइस, बाय कंप्लीटिंग ऑक्टेट. जो आप 10 तक पढ़ते हो, इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस थ्योरी विच वॉज गिवन बाय कॉसेल, लैंगमुइर एंड लुइस. मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन कॉसेल का है पर आपके लिए नॉन लुइस है. ऑक्टेट कैसे कंप्लीशन होगा? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयोनिक बॉन्ड, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के दो प्रोसेस हैं, म्यूचुअल शेयरिंग और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर बाय सिंगल एटम. तो इन पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए अलग अलग बॉन्ड्स के नाम दिए गए हैं. ये सब इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इनको डिटेल स्टडी हम आगे कर रहे हैं. कॉपी हो जाए तो बताइए. कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड. हो गया? यस सर.
गाइस जरा देखिए, हमने आपको पीछे आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन बताया था, यहाँ जरा उसको करते हैं। केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। ठीक है, आप देख रहे हो, हमने ट्रांसफर बोला था, बट ट्रांसफर के लिए कंपलसरी कंडीशन है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होना चाहिए। अभी अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे तो बताएंगे क्या एग्जाम्पल होगा इसका? NaCl, KCl, बस वही याद आता है। याद रखिएगा, एस ब्लॉक का कोई भी कंपाउंड आयनिक बॉन्ड बनाता है, राइट। अब बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? पहली कंडीशन है लो आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों? ये कैटायन बनाती है, प्रोसेस एंडोथर्मिक है, इसलिए डेल्टा एच पॉजिटिव लिखा है। दूसरा, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये एनायन बनाने में सपोर्ट करता है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक। हाई लेटाइस एनर्जी, ये स्टेबिलिटी बढ़ाने का काम करती है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक। और इन तीनों का सम नेगेटिव होना चाहिए, यानी एक्सोथर्मिक। आप देखिए, हम एनर्जी ओवरऑल रिलीज कर रहे हैं या एब्जॉर्ब कर रहे हैं? रिलीज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। फाइन, तो ए बी सी डी प्रोसेस अगर आपने फॉलो किया तो ई वाला जो है वो सेटल्ड, मतलब वो अपने आप काम करेगा। ई एन डी शुड बी हाई। जैसे आप NaCl बोलते हो तो मैं आपको NaCl पे अप्लाई कर देता हूँ। सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1, NaCl बिलोंग्स टू ग्रुप 7। अगर आपको याद आता हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है अक्रॉस द पीरियड क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो इनके बीच का डिफरेंस मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? मैक्सिमम। इसलिए आपका ये आयनिक कंपाउंड बनाता है। गॉट इट? यस सर। कर लीजिए कॉपी बेटा। सर, लैटिस एनर्जी क्या होता है? अभी बताने वाला हूँ, ये कंप्लीट करिए उसके बाद आता है। ओके सर। हो गया गाइस, सबका कॉपी हुआ ना? हाँ सर।
आप लोग पूरा कॉपी कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, समझ लीजिए जरा। जब भी ओपोजिट चार्ज हैंड्स क्लोज आते हैं तो उनके बीच से एक एनर्जी फ्री होती है। एनर्जी रिलीज होना मतलब अगेन एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, और ऐसा आयनिक कंपाउंड के लिए हम बात करते हैं। इस पर हमें क्वेश्चंस आते हैं कंपेयर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। कैलकुलेशन की अगर हम बात करेंगे, इसका कैलकुलेशन जो है बाय वॉन हैबर साइकिल होता है। और ये पार्ट थर्मोकेमिस्ट्री में आएगा, मतलब अभी बहुत दूर है। हमने एक शॉर्टकट बनाया जिसे यूज कर सकते हैं। चार्ज और साइज, चार्ज का जो प्रोडक्ट है दिस इज प्राइमरी फैक्टर, साइज का जो पार्ट है दिस इज सेकेंडरी फैक्टर। यानी कि चार्ज का प्रोडक्ट अगर ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी। साइज का फैक्टर अगर बड़ा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और लेटाइस एनर्जी कम होगी। क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको? तो ये कंपाउंड की स्टेबिलिटी बताता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बताता है। हमें ये तीन क्वेश्चंस पूछे गए हैं लेटाइस एनर्जी कंपैरिजन के लिए। मैं पहला कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए फिर आप करिएगा। सबसे पहले हमें चार्जेस लिखने होते हैं, हमने ये चार्जेस लिख दिए। अब बताइए दोनों में से किसके चार्ज ज्यादा है, केबी और एलआईएफ में? बताइए केबी और एलआईएफ में किसके चार्जेस ज्यादा हैं? सर सेम है दोनों। सेम है, इसका मतलब चार्ज का फैक्टर वैलिड नहीं है। अब हम साइज देखें, लिथियम और पोटेशियम में बड़ा कौन? पोटेशियम। तो जो बड़ा होगा उसके लिए लेटाइस एनर्जी कम या ज्यादा? कम कम कम। तो ये ऑर्डर हो गया। Yes, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड पर आते हैं, Mg पे प्लस टू और ऑक्सीजन पे माइनस टू। बताइए लिथियम फ्लोराइड और MgO में चार्ज किसका ज्यादा है? MgO। ये हो गया अरेंज, क्लियर है? Yes, sir. अब बाकी के दो आपको करने हैं, उससे पहले मैं इधर राइट साइड पे बता दूं आपको कुछ चीजें।
आपको पता है कि फर्नेस में हम कोई भी मेटल को मेल्ट कर सकते हैं, पता है कि नहीं पता हमें? यस सर, यस सर। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, जब हर चीज मेल्ट हो जाती है फर्नेस में तो फर्नेस क्यों नहीं मेल्ट होता है, कभी सोचा? क्योंकि फर्नेस जो है वो बना होता है रिफ्रैक्टरी मटेरियल का, जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना रिफ्रैक्टरी मटेरियल, ये वो कंपाउंड है जो किसी भी हार में टेम्परेचर टॉलरेंस रखता है, यानी हाई टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता, और वो कंपाउंड्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स। इसका मिक्सचर जो है वो स्टेबिलिटी को इतना बढ़ा देता है कि हीट का इफेक्ट नहीं होता। ये सिलेक्शन कैसे किया गया? लैटाइस एनर्जी के बेसिस पे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है सैंड पेपर। सिलिका एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर है। सैंड पेपर का यूज कहां पर होता है पता है? सरफेस को स्मूथ करने के लिए। साइंस में हम इसे एब्रेसिव मटेरियल बोलते हैं, एब्रेसिव, ए बी आर ए एस आई वी ई, एब्रेसिव मटेरियल। ठीक है, इसके बाद अगर कोई भी कंपाउंड सलिबल है तो इसका मतलब उसकी लैटाइस एनर्जी जो है कम है। इससे हाइड्रेशन एनर्जी से एच ई लिखा है, ये हाइड्रेशन एनर्जी। अगर लैटाइस एनर्जी ज्यादा होगी तो वो कंपाउंड सलिबल नहीं होगा। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, लाइम स्टोन या मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है? अब बताइए, ये आपका वाटर सेलिबल होता है क्या मार्बल? नो सर, नो सर। तो अगर आपसे पूछा जाए क्यों सेलिबल नहीं है तो क्या आंसर होगा? उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। बस परफेक्ट। अगर आपसे पूछा जाए सॉल्ट वाटर में सेलिबल है कि नहीं, NaCl सॉल्युबल है, क्यों सॉल्युबल है? उसकी लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन है। परफेक्ट परफेक्ट, यही रिलेशन है। अगर आपको याद हो तो पीरियोडिक में फाउंडेशन बिल्डर में आखिरी में मैंने 4-5 क्वेश्चन छुड़वाए थे लैटाइस एनर्जी के, याद आ रहा है? यस सर, वो सब इसी से ही होंगे। तो आपको ये कॉपी करना है और जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हैं इन्हें आपको सॉल्व करना है। फटाफट से कर लीजिए जरा और आंसर बताइए। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। Sir, I did not understood for that solubility. Can you explain me again? Simply, the solubility means the bond should be break of that compound or solute. And for the breaking of a compound, lattice energy should be less. So, lattice energy jitna kam easily bond break, jitna easily bond break, utna jyada compound soluble. Okay, sir.
हो गया सॉल्व? बताएंगे आंसर? सर बेरिलियम लीस्ट होगा, बेरियम हाईएस्ट होगा. सोच के बोलो. बेरिलियम हाईएस्ट होगा, बेरियम लीस्ट होगा, बेरिलियम. आंसर बदल गया. देखो सब में चार्ज का प्रोडक्ट सेम आ रहा है, यानी चार्ज फैक्टर नहीं है, साइज फैक्टर है. और आप देखो ना, इसी के बेसिस पे तो हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड को सेलेक्ट करके रिफ्रैक्टिव मटेरियल बनाया. अब बताइए किसका ज्यादा होगा? Fe2O3. हो गया क्लियर? यस सर. चले आगे.
देखिए जरा, क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब फिक्स लेटाइस। आप सबने सोडियम क्लोराइड देखा है, क्यों भाई? सोडियम क्लोराइड आपने ऐसा देखा है, ऐसे पार्टिकल क्या? यस और नो? अगर किसी ने ऐसा देखा है तो बहुत गलत है, ऐसा होता नहीं है कभी भी। वो हर बार छोटे से छोटा पार्टिकल भी एक यूनिट होगा, एक लेटाइस होगा, जिसमें अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होंगे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसमें आप गोल बना दो, गोल बना ही नहीं सकते हो। रीजन आपके सामने है कि अल्टरनेटली चार्ज आपको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करोगे अगर आप इस तरीके का रखोगे तो? हर बार उसमें अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है, इसे ही हम फिक्स लेटाइस बोलते हैं। इसके बाद हार्ड और ब्रिटल होता है। हार्डनेस क्या है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, आपका अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग है। ब्रिटलनेस क्या होता है? तो जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो ये लेयर स्प्लिट कर जाती हैं और अलग अलग चली जाती हैं। दिस स्प्लिटिंग ऑफ लेयर जो होती है, दिस इज कॉल्ड ब्रिटलनेस, राइट? इसके बाद लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, मतलब पोलार सल्यूट सॉल्युबल इन पोलार सॉल्वेंट। ये अभी हम आपको और डिटेल में बताएंगे। जो जैसा सल्यूट होता है उसके लिए वैसा सॉल्वेंट चाहिए होता है। बैड कंडक्टर होते हैं, कंडक्टिविटी हमें मिलेगी या तो मॉल्टेन में या तो फिर एक्वेस में। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्यों? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, इज इट? यस सर। करिए कॉपी।
हो गया? यस
देखिए जरा समझ लीजिए पहले, कोवेलेंट बॉन्ड जो है म्यूचुअल शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड है, फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंडीशन है ईएनडी को जीरो होना चाहिए, वन पेयर की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड, टू पेयर की शेयरिंग से डबल बॉन्ड, थ्री पेयर की शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड ईएनडी के बेसिस पे दो टाइप्स का है, पोलार नॉन पोलार। पोलार का मतलब हेट्रोएटॉमिक, लाइक HCl, HBr एटसेट्रा। नॉन पोलार होमोएटॉमिक, H2, O2, Cl2 एटसेट्रा। अब अगर एटम्स आइडेंटिकल होंगे तो कंडीशन फॉलो करेगा, और ईएनडी जीरो होगा। लेकिन अगर हेट्रोएटॉमिक होगा तो ईएनडी नॉन जीरो हो जाएगा। सेकेंडली अगर कंडीशन फॉलो किया तो 100% प्योर कोवेलेंट हो गया, कंडीशन फॉलो नहीं किया तो इम्प्योर हो गया। अब इम्प्योरिटी किस चीज की होगी, तो आयनिक कैरेक्टर की इम्प्योरिटी होगी। परसेंटेज आयनिक हम बता सकते हैं, ये फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, 16 से डिफरेंस XV प्लस 3.5 XA डिफरेंस XV का होल स्क्वायर। XA और XV जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B है। करिए कॉपी। सर पोलार वाला अगर ईएनडी जीरो नहीं है तो कोवेलेंट बॉन्ड का कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा। अभी हम आपको बताएंगे कि अगर वो फिर कैसे कोवेलेंट होता है, बना के बताएंगे। ओके सर। देखिए आप जो पूछ रहे हैं उस बात का आंसर ये रहा, ईएनडी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। अगर 1.7 आया तो 50% आयनिक 50% कोवेलेंट, अगर लेस देन 1.7 आया तो कोवेलेंट ज्यादा है, और मोर देन 1.7 है तो आयनिक ज्यादा है। तो इसी के बेसिस पे जो आप बोल रहे हैं कि HCl कैसे हुआ कि नहीं हुआ, तो हम यहाँ से जज कर पाएंगे उसको, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर बना करके भी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि वहां म्यूचुअल शेयरिंग है तो वो रीजन बनता है। करिए कॉपी। ओके सर। सब पोलर में लास्ट पॉइंट एम्प्योर के बाद सीयूबी का फुल फॉर्म क्या है? क्या बोल रहे हैं सर? पोलार सीवीबी में लास्ट का सी यू बी है या वो सी वी बी है? नहीं बेटा, सी वी बी है, वो यू लग रहा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड है एक्चुअली। ओके। सर ये परसेंटेज आयनिक के फॉर्मूला में वो 6 है ना, 6 ब्रैकेट 16। ओके सर।
कॉपी हो गया? यस। आप कॉपी कर लीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
हो गया? यस। चलो, आपने देखा आयनिक बॉन्ड सिर्फ सॉलिड होता था, ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों है। इसके बाद वो सिर्फ क्रिस्टलाइन था, ये क्रिस्टलाइन अमॉर्फस दोनों है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, बट एक केस है जहां पर हाई होता है, एक्सेप्ट जाइंट मॉलिक्यूल्स लाइक डायमंड है, सिलिका है, कार्बोरेंडम, ये सारे कोवेलेंट हैं, स्टिल इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। लाइट डिसॉल्व लाइक यहाँ भी वैलिड है, बैड कंडक्टर है एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में कंडक्टिविटी होती है क्योंकि उसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। कर लीजिए, डन हो गया भाई? यस सर। देखिए, अब इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म होने वाला है, इसके बाद एक्चुअल पार्ट चैप्टर का आ जाएगा। तीसरा बॉन्ड मुझे बताना है आपको, कोऑर्डिनेट ऑडिटिव।
देखिए जरा, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड स्पेशल टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड इन विच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर बाय सिंगल एटम. सिंगल एटम जो है ट्रांसफर करता है. अब ये डेफिनेशन में आप अगर नोटिस करें तो दो टर्म आ रहे हैं, एक आ रहा है शेयरिंग का जो पार्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, दूसरा आ रहा है ट्रांसफर का जो पार्ट ऑफ आयनिक बॉन्ड है. यानी ये ऐसा बॉन्ड हो गया जिसमें दोनों के कैरेक्टर्स हैं, इसलिए इट शोज इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज. इसके बाद एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो कहाँ से कहाँ, डोनर टू एक्सेप्टर होता है. लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए तीन स्टेजेस होती हैं, एक स्केलेटन, डॉट और उसके बाद डैश आता है. मैं आपको बना के बताऊंगा. उससे पहले ये एसिडिटी और बेसिसिटी समझ लीजिए जो रिलेटेड है स्ट्रक्चर में. एसिडिटी बोला जाता है तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH होते हैं जो बेसिस में होते हैं. बेसिसिटी बोला जाता है तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H होते हैं जो एसिड्स में होते हैं. ये बड़ा क्लियरली विजिबल होता है, एक बार जरा सब लोग ध्यान से देखिए. HCl में आपको बेसिसिटी कितनी दिख रही है, बोलिए. वन. HNO3 में कितनी दिख रही है, वन. H2SO4 में, टू. H3PO4 में, थ्री. H3PO3 में, बोलिए. H3PO2 में, थ्री. H3BO3 में, थ्री. H4P2O7 में, फोर. फोर बस गलत हो गया. ठीक है, याद रखिएगा पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ तीन एसिड्स हैं जहां पे जो दिखता है वो नहीं होता, बाकी सब जगह पे जो दिख रहा है वही है. तो ये तीन केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट पेज जहां पे ट्रिक लिखते हैं ना, वहां पर जाके नोट करिए. एसिडिटी बेसिसिटी ऑफ थ्री, जिनकी विजिबल नहीं है, गड़बड़ हो सकती है. ठीक, इसके बाद स्ट्रक्चर कैसे बनाना है आप सब कॉपी करिए, फिर मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, फटाफट कॉपी करिए. H3BO3. कॉपी हो गया? यस यस. देखिए मैं आपको दो स्ट्रक्चर बना करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा फिर आपको बनाने होंगे. एक है H2SO4 और दूसरा है वाटर.
किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें सबसे पहले सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करना होता है। सेंट्रल एटम क्या होगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच इज लीस्ट इन नंबर, तो H2SO4 में सेंट्रल एटम क्या बनेगा, सल्फर। सल्फर। और अगर हम वाटर के केस में बात करें तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, करेक्ट। अब एसिड में बेसिसिटी होती है और बेस में एसिडिटी होती है, तो H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होगी, 2। तो जिसकी जितनी बेसिसिटी उसमें उतने OH बना दीजिए ऐसे। अब बचे हुए एटम्स को सेंट्रल एटम से डायरेक्टली जोड़ना है, तो हम उनको ऊपर और नीचे रख देते हैं, करेक्ट है। वाटर में तो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, हमने अभी स्केलेटन फॉर्म कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप हमारा डॉट है, डॉट के लिए बहुत सारी बातें ध्यान रखनी है। डॉट बनाते समय हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, अगर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता है तो हम ग्रुप नंबर देख करके काम चला सकते हैं। कौन सा ग्रुप नंबर देखना है, मेंडलीफ वाला, रोमन वाला, उस ग्रुप नंबर से हमारा काम चलेगा। जैसे हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर कितना है, बोलिए, हाइड्रोजन का ग्रुप 1। ऑक्सीजन का कितना है, 6। सल्फर का कितना है, 6। ऑक्सीजन के ग्रुप में आता है ना, पीरियोडिक टेबल रेफर करिए अगर आपको नहीं आते तो। तो जिसके जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका ग्रुप नंबर उतना ही होगा, या वाइस वर्सा हम बोल सकते हैं। मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन के 6 होंगे तो मैं इसे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप कोई भी सिंबल यूज कर लीजिए। इसके भी 6 बना देते हैं, इसके 6, इसके 6। हाइड्रोजन का एक ही एक होगा, मैं इसे डॉट से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। सेंट्रल एटम के भी 6 होंगे, इसको मैं सर्किल से रिप्रेजेंट कर देता हूं ऐसे, ठीक। अब हमें सबका ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है केवल सेंट्रल एटम को छोड़ के। ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक आपने ऑक्सीजन से ले लिया, इसका ड्यूप्लेट हो गया, सेम हियर। अब साइड ऑक्सीजन और ऊपर नीचे के ऑक्सीजन देखें, 6-6 हैं, 2 सल्फर से ले लिया, डन। ये भी हो गया, साइड ऑक्सीजन देखो 6 हैं, 1 फ्रॉम सल्फर, 1 फ्रॉम हाइड्रोजन, ये हो गया, सेम ईयर, क्लियर है सबको ये? यस सर। यस सर। अब सेंट्रल एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको कितने चाहिए और 2 और चाहिए, वो किससे लेगा? तो ऐसे में वो लेता है सिर्फ और सिर्फ अपने साइड से, जो उसकी बेसिसिटी वाले हिस्से हैं। तो ये देखो ऐसे बन गया, एक यहां से लिया ऑक्सीजन से, एक ये वाले ऑक्सीजन से लिया, और ये हो गया। इज इट क्लियर? यस सर। यस। अब हम फिर से डैश बना रहे हैं और चेक करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने पेयर की शेयरिंग हुई है। वन बॉन्ड, इधर भी वन बॉन्ड, फिर साइड में ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में कितने की पेयर की शेयरिंग है, वन। वन पे। अब जरा ऊपर नीचे जरा चेक करो कितने पेयर की शेयरिंग है, टू पेयर। ध्यान से देखो, इट्स अ स्पेशल केस, वहां सेंट्रल एटम ने सिर्फ डोनेट किया है, लिया नहीं है। ऊपर सल्फर ने ऑक्सीजन से लिया है क्या, सिर्फ डोनेट किया है, तो डोनेट करने वाला बॉन्ड यानी डेटिव बॉन्ड। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अब वाटर को देखो, ये तो बेचारा गरीब टाइप है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं आना आपने। ये हो गया, एक यहां से लेकर के ये अपना पूरा करेगा, एक यहां से लेके ये पूरा करेगा, रिमेनिंग इज लाइक ऐसा। तो आपको बताओ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने पेयर की शेयरिंग दिख रही है, वन। डन। क्लियर है सबको स्ट्रक्चर? यस सर। अगला स्ट्रक्चर आपको बनाना है, कॉपी कर लीजिए पहले।
Sir, what did you said that S is called, means which are the elements other than hydrogen and oxygen? That is called central atom, other than oxygen and hydrogen, which is least in number. Okay, sir. ठीक है, आपको ये ड्रॉ करना है। आप मुझे पहले H2SO3 ड्रॉ करके बताइए, उसके बाद आगे का करना।
डन हुआ कि नहीं बेटा? सर सारे नहीं हुए। कितने आए आपको? एक H2SO3 हुआ कि नहीं हुआ उतना बता दो पहले। ठीक है, ऐसा बना H2SO3? यस सर। सबका मैच कर रहा है? यस यस सर। ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क एक्चुअली। इसे आप ट्राई करके रखो, नेक्स्ट लेक्चर पे फिर बताते हैं आपको कि कैसा बनता है। हाँ जी सर, ये एरो जो आपने ऊपर किया है वो मैंने नीचे किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन डजंट मैटर। ओके, बस ये होना चाहिए कि सल्फर टू ऑक्सीजन है कि ऑक्सीजन टू सल्फर है, वो मैटर कर रहा है, बट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है वो मैटर नहीं करता। ओके सर, ठीक है, तो आप लोग इसको करके रखिए, नेक्स्ट लेक्चर पे हम डिस्कस करते हैं। और हमें 50 से ज्यादा बनाने की बात याद रखिएगा, ठीक है गाइस? चलो ओके ओके गाइस, बाय। थैंक यू सर, बाय सर, बाय।